हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज चुकी है शाम की 7:15 बज गई है। अभी आए अंशिका के पापा और अंशिका अनमोल जिद करने लगी कि हमें मॉल घूमने जाना है। तो चलिए चलते हैं, इनको मॉल लेके जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या लेना है, इनको क्या मस्ती करनी है। 2 दिन से जिद कर रही है मुझे मॉल ले जाओ। तो अभी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, अंशिका के पापा तैयार हो रहे हैं, ये दोनों रेडी होके बैठी है मोबाइल चला। और अंशिका, आपको क्यों जाना है मॉल? क्यों जाना है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा चलिए फ्रेंड, तो चलते हैं अंशिका के पापा जल्दी से रेडी हो जाए, वो अंदर के रूम में रेडी हो रहे, फिर हम चलते हैं मॉल। आपको आगे की क्लिप मैं बताऊंगी, वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मॉल में। ये ट्रिनिटी मॉल है, डीमार्ट के जस्ट पास में ही है। तो मेरे हस्बैंड अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। उस दिन हमको आने में लेट हो गए थे, डीमार्ट आए थे उस दिन भी, इनको आना था अंशिका अनमोल को, लेकिन आज लेके आई है कि नहीं, आज तो हम जाएं। गमले होने ये सारे, गमले भी मिलते हैं। अंशिका अनमोल इधर मस्ती कर रही है, इसके पापा जल्दी से पार्किंग लगा ले, फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, शॉपिंग करेंगे। मुझे तो नहीं करनी, मैंने तो कर ली बहुत सारी। अंशिका अनमोल के लिए देख लेंगे और अंशिका के पापा के लिए। तो चलिए मॉल के अंदर चलते हैं, देखते कुछ खास दिखेगा तो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए चलते। तो अंशिका अनमोल को बैठना है बाइक पे, पर अनमोल को कौन सी पे बैठना है? इस पे बैठोगे तुम? और अंशिका हाथ हटा। अंशिका तो बहुत ही बेकार बाइक चला रही है, वो कांच में घुस जाएगी देखा। तो अंशिका की राइड हुई कंप्लीट। तो चला लोगे आप? हाँ, अंशिका को अब बाइक ही चाहिए। अब अमोल की बारी आ गई, अमोल गई अपनी कार चलाने। बाय। कहाँ से लेना फिर कपड़े? ये सामने स्पाइकर से, यहाँ से लो। चलो ये अमोल की हो जाए, चलते फिर। तो चलिए चलते हैं अंशिका के पापा के लिए, कुछ देखते हैं अच्छे से, जीन्स शर्ट कुछ मिल जाए बढ़िया सा। तो ये रही प्यारी सी शॉप। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंशिका के पापा के कपड़े, ये रही शॉप प्यारी सी। और ये बाहर का अंशिका अनमोल, ये रही मस्ती कर रही है यहाँ पर। अंशिका ने पहन लिया हेलमेट, दिखाओ अंजू। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो ये रहा मॉल का ऊपर का एरिया। तो हम अभी ऊपर घूम रहे हैं, कुछ लेना है, पसंद नहीं आ रहा है। और ये नीचे का कितना सुंदर लग रहा ना। और यहाँ पर ऊपर टाकीज है, तो सब मूवी देखने भी जा रहे हैं लोग। एक और शॉप पे, हाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ पसंद नहीं आया, मिल भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो हाँ इनका अच्छा था, इन दोनों को खेलने को तो मिल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, मॉल में बहुत घूम लिए लेकिन जो लेने आए थे वो तो कुछ नहीं मिला। तो चलिए कहाँ चलते, अब जाते मऊ देखते, मऊ में देखते कुछ अच्छा मिल जाए, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। अंशिका तो आगे आगे भगती है सबसे पहले। क्या अंजू, वो गई वो नीचे वाली सीट में चलाना, नीचे वाली शॉप में। हाँ। क्यों? आज कुछ करना है, वो तुम्हें वहाँ पे बताऊंगी। हाँ मुझे पता है वहाँ पर तुम क्या करो। कुछ नहीं मिला इतने बड़े मॉल में, ये मॉल भी बस नाम का रह जाए, कुछ मिलता तो है नहीं, घूम के आ जाओ बस। चलो बैठो, आगे कौन बैठेगा अंजू और पीछे अमोल। अरे मुझे जगह तो दो अमोल, मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ बैठूँ मैं, जगह है इतनी सी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं मॉल जाएंगे। मॉल के बाद हम पहुँचे कटपीस सेंटर में। तो यहाँ पर 1-2 मीटर के कई तरह के कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा था, मैंने देखे बहुत से, फिर मैंने सोचा कि चलो वेलवेट का ही ले लेते, तो फिर मैंने लिए वेलवेट के 2
बहुत ही अच्छे ब्लाउज पीस, वहाँ पर देखने में इतनी वैरायटी थी कि मन करता है कि सारे ही ले लूँ, लेकिन आज शॉपिंग केवल हस्बैंड के लिए थी, लेकिन तो भी मैंने एक दो पीस खरीद ही लिए ब्लाउज पीस के, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि शॉपिंग के लिए जाऊँ और मैं कुछ ना खरीदूँ, तो मैंने सिर्फ ये एक दो पीस ही खरीदे थे बस। उसके बाद हम पहुँचे कपड़े की शॉप पर, अंशिका के पापा के लिए कपड़े लेने थे, तो फिर एक और शॉप पर गए तो, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आए, भूख लगने लगी थी अंशिका को, तो बिस्किट चाहिए मुझे लेना। हम घूम रहे एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी, तीसरे से ये चौथी दुकान, क्योंकि मेरे कपड़े लेना हो मैं फटाक से ले लेती हूँ, लेकिन लेना है हस्बैंड के तो टाइम लगता है इनको। तो कांची का मोल कर रही मस्ती, क्यों मोल तुम मस्ती कर रहे हो, आ जाए जल्दी से चेंज करके ले लिए, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट लिया। तो फ्रेंड फाइनली इन्हें ले ली एक शर्ट ली, वो भी बड़ी मुश्किल से चार दुकान घुमाए दे दी। पागल औरत, तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है, चुप। चलिए चलते हैं अब आगे, देखिए कहाँ जाना है, मंदिर, मंदिर चलेंगे, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं, अभी बज चुकी है 9:45 बज गई है, चलिए चलते हैं। चलोगे जय जय कानू जी करे। हाँ। तो फ्रेंड्स हम आए हैं मंदिर, देखो कितना बड़ा मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, श्री गोपाल मंदिर मऊ, बहुत ही सुंदर है, पूरा व्हाइट कलर का। चलिए फ्रेंड, तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, ये मंदिर का गेट है, अंजी का अनमोल अंदर जा चुकी है, कितना सुंदर है, चलिए चलते हैं अंदर। जब हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पर पट बंद थे, वहाँ पर कृष्ण भगवान का श्रृंगार चल रहा था, तो लल्ला इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते, उनका श्रृंगार चल रहा था, शाम को आरती होने वाली थी, तो ये है हमारे लल्ला का पालना जो चांदी का है, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही सुंदर सी गैया थी, तो जहाँ काना हो तो गैया नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही बड़ी सी सुंदर सी गैया भी थी, और तस्वीरें भी थी आसपास कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में भी दर्शाया गया था, किसी में वो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं तो किसी में वो विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर यशोदा मैया ने हमारे लल्ला को बांध दिया था क्योंकि उन्होंने की थी माखन की चोरी, और उसके बाद हमारे लल्ला ने कान्हा ने और राधा जी ने दर्शन दिए, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ था उनका, मतलब नजरें नहीं हट। और इस तस्वीर में देखिए वासुदेव जी लल्ला को यमुना पार लेके जा रहे हैं, और यहीं पर भोलेनाथ जी भी विराजमान थे तो उनके भी दर्शन किए हमने। आरती पूरी हो चुकी थी, फिर प्रसादी की बारी थी, तो चरणामृत लेने के बाद फिर हमें प्रसादी मिली, प्रसादी में था पेड़ा जो अंशिका का फेवरेट है, तो अंशिका ने वहीं पे ही खाने लगी, उसने पूरा खा लिया था, मैंने रख लिया था कि मैं बाद में खाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ी आगे गए और फिर अंशिका जिद करने लगी मैं खाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा खाया और अंशिका को दे दिया। उसके बाद फिर हम अंशिका के पापा के लिए कपड़े देखने गए, वहीं पर बड़ी मुश्किल से एक जोड़ कपड़े पसंद आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो लाइक करें, शेयर करें, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।